वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जादू की डे 23 और डे 24 की एक्टिविटी में क्या करना है। तो दोनों दिनों की जो एक्टिविटी है उसका एक कंबाइंड वीडियो ही मैंने बना दिया है, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो बहुत ही सिंपल है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, आप चाहे तो एक ही दिन में ये वीडियो देख सकते हैं और नेक्स्ट डे की एक्टिविटी को, डे 24 की एक्टिविटी को पहले से लिख के रख सकते हैं, या चाहे तो दोनों दिन आप ये वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह बहुत सारा थैंक यू हर एक व्यूअर को, हर एक सब्सक्राइबर को जो वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कोई सजेशन हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डे 23 की एक्टिविटी की, कि डे 23 पे आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, जब हम जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में जाएं। हम हमेशा लोगों की, आसपास की चीज़ों की, आसपास के एनवायरनमेंट की हमेशा कंप्लेन ही करते आए हैं, तो क्यों ना हम अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना स्टार्ट करें कंप्लेन करने के बजाय। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को थैंक यू बोला, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को थैंक यू बोला ही नहीं, जो कि आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कभी थैंक यू बोलना। जो हवा हम ले रहे हैं या जो ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो जो गैस हमको मिलती है, जो ऑक्सीजन हमको मिलती है, जो हमारी लाइफ सेविंग है और जिसकी वजह से ये जो पूरा बॉडी है वो वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोल जो है उसका कोई अस्तित्व बन पा रहा है, तो उसको अभी तक हमने थैंक यू नहीं बोला है। डे 23 की एक्टिविटी में आपको यही करना है। और अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप अगर पॉजिटिविटी की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं तो कहती हूँ डेली आपको ये करना चाहिए, और क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रही है तो नेचर में जाके ये करना चाहिए, और अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो डे 23 पे आपको क्या करना है, आप बाहर जाओ कहीं, और गार्डन वगैरह में अगर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो सिंपली अपनी बालकनी में जाइए और इसे एज ए मेडिटेशन आप करेंगे जैसे कि मैं करती हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। आपकी सुबह जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मॉर्निंग बहुत ही अच्छी स्टार्ट करने का ये बेस्ट तरीका है कि सिंपली आप नेचर के पास बैठ जाओ, नेचर में बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद करके ब्रीद इन थैंक यू, ब्रीद आउट थैंक यू। थैंक यू किसको बोल रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन हमको मिल रही है, जो हवा हमको मिल रही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पा रही है, उसको हम थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थैंक यू बोलना है। अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो ब्रीदिंग तो कभी भी रुकती नहीं है, ये तो 24/7 चलने वाला प्रोसेस है। तो जब जब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपरली बैठ के इस तरह की एक्टिविटी को कर सकें, तो आप चलते फिरते जब भी आप सांस ले रहे हैं तो मन में उस इंटेंशन को रख के कि ये जो सांस मुझे मिल रही है, जो हवा मुझे मिल रही है, जो ऑक्सीजन मुझे मिल रही है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, उसको आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये है आपकी डे 23 की एक्टिविटी, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। एक जगह बैठ के आप कर सकते हैं, एक जगह बैठ के नहीं कर सकते, तो चलते फिरते जब भी आपको याद आए तब आप कर सकते हैं। बस याद रखना कि डे 23 की प्रैक्टिस में मेरे को जो हवा मैं ले रहा हूँ उसको थैंक यू बोलना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो बेसिक चीज़ें हैं वो छूट जाती है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें याद रह जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं जादू की डे 24 की एक्टिविटी की। तो देखिए डे 24 की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या मैनिफेस्टेशन को किसी और पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूसरों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल ला सकते हैं, अगर आप किसी के लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव चेंज लाना चाहते हैं या किसी भी तरह के रिवेंज से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी को डोमिनेट करती है, वो हमेशा हाई रहेगी, नेगेटिव एनर्जी हमेशा लो रहेगी, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेगेटिव सोचना, किसी भी चीज़ का वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करना हम ज़्यादा ईजी समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सबकी आदत होती है, सब ऐसा सोचते ही हैं, ठीक है। तो इस पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम क्या बनने वाले हैं, डे 24 की प्रैक्टिस में हम दूसरों के लिए एक जादू की छड़ी बनने वाले हैं। इसमें आप क्या करेंगे, बहुत ही इजी सी प्रैक्टिस है, इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रैक्टिस जो है वो रहेगी दूसरों के लिए, दूसरों में कोई दूसरे नहीं है, ये आपके अपने ही हैं। वो तीन ऐसे रिश्ते जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशी आ जाए, या फिर कोई तीन ऐसे रिश्ते जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है
और आप चाहते हैं कि आपकी वजह से या आपकी थोड़ा सा ट्राई करने से वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि हो सकता है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन आप ये चीज़ जानते हैं कि आप पॉजिटिव रह के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो आप उनके लिए ये चीज़ काम में ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 ऐसे रिश्तों को चुनना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी फ़ोटो लेनी है। आप चाहें तो पासपोर्ट फ़ोटो ले सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल में फ़ोटो ले सकते हैं, आपको ना फ़ोटो मिले तो सिर्फ आप उनका नाम लिख सकते हैं। मोस्टली आपको क्या करना है कि वो एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है यानी उनकी सोल की जो एनर्जी है वो फील होनी चाहिए, तो उनका नाम, उनका फ़ोटो या मोबाइल में उनका फ़ोटो जो है वो कुछ भी तीनों में से हो तो वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको विजुलाइज़ करना है। क्या विजुलाइज़ करना है, आप उनके लिए सेहत, दौलत और खुशी तीनों चीज़ों को विजुलाइज़ करेंगे। कितने टाइम तक करेंगे, मैं 30-40 सेकेंड्स तक विजुलाइजेशन जो है वो रिकमेंड करूँगी कि 30-40 सेकेंड्स तक अगर आप विजुलाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर हैं और आप चाहते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहे, तो आप उनको गार्डन में वॉक करता हुआ बिल्कुल फिट एकदम भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, अपनी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इस तरह देखेंगे। खुश हैं तो स्टिल वो हंस खेल रहे हैं, अपने काम पे रेगुलरली जैसे जाते हैं वैसे जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, फ़ोन पे किसी से हंस हंस के बात कर रहे हैं, इस तरीके से उनकी खुशी देखेंगे। दौलत, वो फाइनेंशियली अबंडेंट है, उनके पास जितना पैसा उनको चाहिए उनके पास में है, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, वो अपने घर में आराम से बैठे हैं, तो इस तरीके से आप अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट के लिए कर सकते हैं, या किसी के लिए जिनको आप सेहत, दौलत और खुशी इन तीनों चीज़ों को देना चाहते हैं उनके लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी डे 24 की प्रैक्टिस। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताती हूँ कि आज का एंजल नंबर क्या है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए आज का एंजल नंबर क्या है। सो गाइज, आपका एंजल नंबर है 777। कुछ दिन पहले, आई थिंक कल या परसों भी ये नंबर आया था, आज भी सेम नंबर है, बहुत ही पावरफुल नंबर है। और आप चाहें तो 7x77 वाली जो टेक्निक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो भी कर सकते हैं अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। और अगर आपको नहीं पता है एंजल नंबर क्या है या फिर ये टेक्निक क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।